लेंगे। सबसे पहले यही शख्स मिल रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? वो तो पागल लगता हमको। गजब बेइज्जती है। वही पागल आदमी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री सब लोग पहुंचे, लाखों लाखों की भीड़ है, 10 लाख लोग पहुंचे नौबतपुर। आप कह रहे हैं पागल है? तो मदारी दिखाने वाले कन तो भीड़ रहता ही है। जाके गानी मैदान कभी मदारी देखा है आप? वहाँ भी लाखों भीड़ है। सब लोग पहुँच रहे हैं कि बाबा हैं, कुछ करेंगे। बाबा तो आसाराम भी आए थे, अभी जेल में है। कितना बाबा है और जेल में 6 महीना के बाद, ये भी 6 महीना। आप नहीं मानते तो ये भीड़ किस लिए है? भीड़ किस लिए? हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था का बहुत बड़ा देश है। इंसान आ जाता है झांसा में, 6 महीना बाद ही जेल में जाएंगे। पर्चा भी निकालते हैं, सब सही हो जाता है? पर्चा कैसे सही हो जाता है? पर्चा पहले मोदी जी का पर्चा वो निकाले कि 2024 में रहेंगे कि ना रहेंगे। ये बीजेपी का एजेंट है और कुछ नहीं। बीजेपी के एजेंट है बाबा, इसका सबूत हम दे सकते हैं। मनोज तिवारी बीजेपी का नेता है भाई, वो गाड़ी चला के लाता है। इसका मतलब इसका खास आदमी है, इसका मतलब है कि बीजेपी का खास आदमी है। तब तो मनीष आप मानते ही नहीं है ये भीड़ जो है वो जो सब बेकार है। भीड़ लोगों का आस्था है, लोग की आस्था में हम कमी नहीं कर रहे। आस्था है लेकिन बाबा में कोई आस्था नहीं। बाबा में कोई आस्था नहीं। आप जानते हैं, नाम सुने हैं?